दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी की पीटी परीक्षा के लिए महज एक महीने का समय बचा हुआ है। आशा है कि आप इस परीक्षा की तैयारी को काफ़ी तेज़ी से कर रहे होंगे, युद्ध स्तर पर कर रहे होंगे, क्योंकि यही समय की डिमांड है कि आप अपनी तैयारी को तेज करें, क्योंकि एक महीने का कम समय है और इसी समय में आपको अपनी तैयारी को पूरा करना है और बीपीएससी की इस प्रारंभिक परीक्षा को आपको सफल होकर उत्तीर्ण होकर दिखाना है। तो समय काफ़ी कम है, आप अपनी तैयारी की रफ्तार को तेज़ करें, आप योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें और आप अपना 100% एफर्ट इसमें दें। दोस्तों याद रखें, समय को बिल्कुल भी आप वेस्ट नहीं करना है, आप अपना पूरा समय अपने प्रारंभिक परीक्षा को निकालने में ही लगाएं, इसके स्टडी में लगाएं। दोस्तों याद रखें एक बात कि कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम पे तो यहाँ लाखों इंसान हैं। अगर आप भीड़ में रह जाएंगे, अगर आप अपनी गति को तेज नहीं करेंगे, अगर आप दूसरों से हट के नहीं पढ़ेंगे, आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं पढ़ेंगे, आप इधर उधर पढ़ेंगे तो आप भीड़ में रह जाएंगे। आपको अपना नाम बनाना है, इस बीपीएससी परीक्षा को क्वालिफाई करके आपको बिहार में एसडीएम बनने के सपने को पूरा करना है। तो आपको तैयारी की गति को तेज करना पड़ेगा। आप अब जो एक महीने का समय बचा है, आप इसमें जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, आपको 12 घंटा पढ़ना पड़े, 14 घंटा पढ़ना पड़े, जितना भी समय आपके पास अवेलेबल है आप 100% उस समय को अपने स्टडी में लगाएं, क्योंकि ये वही समय है दोस्तों कि आपको यहाँ से अब कोई भी चूक नहीं करनी है, आप कोई भी समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात, आप जब पढ़ाई करें तो याद रखें कि अब आप नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें, जो पढ़े हुए हैं उसी की रिविजन करते रहें। जैसे जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, जिससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, खासकर साइंस का सब्जेक्ट, खासकर बायोलॉजी, करंट अफेयर्स और बिहार जी के, बिहार से संबंधित जो प्रश्न आते हैं स्पेशल, इसकी पढ़ाई आप निरंतर करें और इसका रिवीजन करें। नया बिल्कुल भी नहीं पढ़े, खासकर आप करेंट में, हाँ बिल्कुल ये करेंट में आप पढ़ सकते हैं। करेंट में आप जैसे 30 सितंबर को एग्ज़ाम है तो आप 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक के घटनाक्रम को पढ़ के जरूर जाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय जो भी घटना है उसको आप पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि 10 सितंबर तक के घटना पूछे जा सकती हैं इस परीक्षा में, क्योंकि 30 सितंबर का एग्ज़ाम है, 15 से 20 दिन का फासला चलता है, बट 30 सितंबर का एग्ज़ाम है तो 10 तारीख तक का आप करेंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाएं। आप जनवरी से, 1 जनवरी से 10 सितंबर का करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके अलावा किसी भी चीज़ को आप नया नहीं पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट में आप उसका, जो भी सब्जेक्ट को आप पहले से पढ़े हुए हैं उसी का लगातार रिवीजन करते रहें, सेट प्रैक्टिस करते रहें। और याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सेट प्रैक्टिस करें और अपने को इवेल्युएट पर करने का प्रयास करें कि जो प्रीवियस कट ऑफ रहे हैं उस कट ऑफ से आप अपने सेट में जो नंबर लाते हैं उसको कंपेरिजन करें कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वहाँ पर आप फोकस करें और बार बार अपनी कमियों को देखते हुए उसको सुधार करें और अधिक से अधिक करंट अफेयर्स में नंबर लाने का प्रयास करें, क्योंकि ये वही सेक्शन होता है दोस्तों जहाँ अधिकतर स्टूडेंट्स चुप करते हैं, बाकी सारे जो स्टैटिक पोर्शन होते हैं वहाँ से उनको नंबर तो मिल जाता है, बट जैसे ही बात करंट अफेयर्स की आती है तो बस एक सब्जेक्ट करंट अफेयर्स में नंबर कम लाने की वजह से 2-4-5 नंबर से भी एग्ज़ाम पास करने से छूट जाते हैं और बाद में उनको अफसोस होता है और उनका इतना दिन का पढ़ा हुआ मेहनत मात्र 2-4 नंबर के चलते ही उनका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स की पढ़ाई पुरजोर तरीके से करें, बिल्कुल भी आप करंट अफेयर्स की तैयारी को कमज़ोर ना करें, आप इसकी तैयारी को अच्छे से करें। तीसरी बात, जब आप इस परीक्षा में लग गए हैं तो अब से लेकर एग्ज़ाम के दिन तक आप अपनी तैयारी को तेज़ करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में उठ के पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि मॉर्निंग का समय दोस्तों ऐसा होता है जिस समय आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपके मेमोरी में वो समय, वो चीज़ ज़्यादा देर तक रहती है, ज़्यादा समय तक रहती है, एग्जिस्ट करती है। तो आप मॉर्निंग के समय को वेस्ट ना करें, आप प्रयास करें कि 5 से या उसके पहले भी अगर आप जग सकते हैं तो जगें और एक महीने की पढ़ाई में आप अपनी सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई को कर जाएं, ताकि आपको ये हमेशा आपके लिए ये यादगार रहे और आप इस परीक्षा को पास करके अधिकारी बनने के सपने को पूरा कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अपनी तैयारी करते रहें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।